लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सावधान रहे, आज भी आ सकता है आंधी और तूफान। आज मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई है। इसमें हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कानपुर आदि जिले शामिल हैं। दूसरी तरफ इन दिनों उत्तर भारत सख्त गर्मी से जूझ रहा है, तो उत्तराखंड, कर्नाटक में बारिश हो रही है। राजस्थान में गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गर्मी से सबका हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर पहुंचने का अंदेशा है, जहां बिलासपुर में पारा 40 डिग्री से ऊपर है, जबकि ऊना, दिल्ली जितना गर्म है। वहीं केरल राज्य में तेज बारिश हो रही है और मानसून भी आने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तीनों राज्यों में आंधी तूफान की चपेट में आकर 45 लोगों के मरने की खबर आई है। इसमें यूपी में 9, झारखंड में 12 और बिहार में 19 लोगों की मौत हुई है। आगे बताया जा रहा है कि सोमवार को आए तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आंधी व बिजली की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। सूचना विभाग के प्रधान सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि उन्नाव जिले में सोमवार को बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कानपुर और रायबरेली से भी 2-2 लोगों के मारे जाने की सूचना है। अवनीश अवस्थी ने कहा, संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्य करने तथा 24 घंटे के भीतर राहत सेवा मुहैया कराने को कहा गया है।